वेलकम बैक टू द चैनल माय सेल्फ निशांत। बच्चों चैप्टर 1 हम कर रहे हैं और चैप्टर 1 के लास्ट इन सम बात के बाद और उस टॉपिक का नाम है कमीशन। कमीशन नाम सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, सर हमारे ये जो कमीशन टॉपिक है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबके आइडेंटिफिकेशन कि कौन से टाइप में कौन सा सेमेस्टर है। बच्चों टिल एंड तक ये जो 15-20 मिनट का वीडियो है वो आप देखेंगे तो 100% आपको कमीशन टॉपिक समझ में आएगा। अपने आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बच्चों आप कंसेप्ट नहीं समझते हो और डायरेक्ट सम करने जाते हो, दैट्स अ रॉन्ग मेथड। फिर आपको कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा और बाद में क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने के बाद वो सम करेंगे तो भी आपको क्या है वो समझ में आ सकता है। अब बच्चों हमारा पहला कमीशन, कमीशन में दो पॉसिबिलिटी, पार्टनर इज नॉट अ मैनेजर, इन दोनों में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी ये तीनों पार्टनर है और उसमें से हमने बी को ही मैनेजर बना दिया, यानी कि पार्टनर ही मैनेजर बन गया। ए बी सी पार्टनर है, हमने ऐसा बोला काम करो बी तू ही क्या बन जाए मेरा मैनेजर बन जाए, उसका मतलब पार्टनर ही मैनेजर बन गया तो लॉजिकली अच्छी बात है पार्टनर ही एज अ मैनेजर फर्म को आगे ले जाएगा। लेकिन 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 ये तीनों के पास टाइम नहीं है ए बी सी, और ये तीनों ऐसा सोच रहे काम करो ना हम थर्ड पार्टी यानी कि बी, हम बी को मैनेजर बन, तो उसका मतलब क्या हुआ बी इज नॉट अ मैनेजर। समझ में आया बी इज नॉट अ मैनेजर। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ए बी सी ये जो तीनों पार्टनर ए बी सी इसमें से ही कोई क्या बनता है मैनेजर, तो पार्टनर इज अ मैनेजर। लेकिन 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 एबीसी है उसमें से वो नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी यानी कि डी अगर क्या बनता है मेरा मैनेजर तो उसका मतलब पार्टनर इज नॉट अ मैनेजर, डन। तो क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा कि पार्टनर मैनेजर है या नहीं। अब जो यहां कह रहा है इफ पार्टनर इज मैनेजर, अगर पार्टनर ही मेरा मैनेजर है तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ध्यान से सुनो वो है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और दूसरा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पार्टनर मैनेजर है तो दो पॉसिबिलिटी बिफोर एंड आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 10% कमीशन देना है 12% क्वेश्चन में दे दिया होगा, नेट प्रॉफिट 1 लाख है इनटू कमीशन 10 डिवाइड बाय 100। ऐसा तो अगर पार्टनर मैनेजर है तो क्या फॉर्मूला रहेगी बच्चों भाई, तो फॉर्मूला रहेगी नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 अगर क्या है बिफोर है तो। लेकिन आफ्टर है, आफ्टर वर्ड है तो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज यानी कि 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10% यानी कि 10 डिवाइड बाय 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 110। तो सिंपल तरीका याद रखो पार्टनर मैनेजर है तो दो फॉर्मूला बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर में 10 डिवाइड बाय 100 याद कर सकते हैं और आफ्टर में 10 डिवाइड बाय 110। क्वेश्चन में परसेंटेज तो डिफरेंट नहीं होंगे, 5 ही है तो 5 डिवाइड बाय 100 और आफ्टर में तो 5 डिवाइड बाय 105। तो बच्चों पहले याद कर लो, प्रोसेस याद कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पार्टनर मैनेजर है यस है तो दो पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है बिफोर एंड आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर कमीशन बिफोर ओवरहेड है तो 10 डिवाइड बाय 100, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 10 डिवाइड बाय 110। तो पहले माइंड का ये प्रोसेस आप क्या कर लो ठीक है, ये हुआ पार्टनर इज मैनेजर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, थर्ड पार्टी पार्टनर मैनेजर नहीं है, अब थर्ड पार्टी को हम क्या बना रहे हैं मैनेजर, तो बच्चों फॉर्मूला बिफोर वाला आएगा यानी कि नेट प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइड बाय 100, क्या होगा नेट प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइड बाय 100। तो सिंपल मुझे ये चैप्टर में ये टॉपिक में कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, 3। पहला पार्टनर मैनेजर है यस तो दो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर में नेट प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइड बाय 100, आफ्टर में नेट प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइड बाय 110। और पार्टनर मैनेजर नहीं है तो बिफोर वाले जो फॉर्मूला था वही आएगा नेट प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइड बाय 100। तो जो ये हो गया आपकी नोट्स, ये हो गया आंसर, सिंपल पार्टनर मैनेजर है या नहीं वही कांसेप्ट आपको दिमाग में रख लीजिएगा। अब इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन 3 है, कि क्वेश्चन आप गुजरात बोर्ड से सॉल्व करते हैं तो आपको बच्चों समझ में क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपकी जो किताब है गुजरात बोर्ड की उस पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप ओपन कीजिए, उसमें एग्जाम है वो चेक कीजिए।
देखो जो मैंने बताया था आपको कि आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है कि सर पता नहीं चल रहा है कि कमीशन का ये कौन सा समय है, सब सब मिक्स हो जाते हैं ध्यान से। जब ऐसा पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर, आप थोड़ा लॉजिक सोचो। एक पार्टनर है और वही पार्टनर मैनेजर है, पार्टनर है वही पार्टनर क्या मैनेजर है, तो ऐसा पार्टनर उसको प्रॉफिट तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? प्रॉफिट तो मिलेगी, वही 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 पार्टनर मैनेजर है फर्म का, तो उसको क्या मिलेगी? कमीशन। तो लॉजिकली एक पार्टनर है ऐसा पार्टनर उसको प्रॉफिट तो मिलेगी, साथ में ऐसा मैनेजर उसको क्या मिलने वाली है? कमीशन। तो मैनेजर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ये पूछे क्या व्हाट टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर। तो पहला पार्ट याद कर लीजिए, तीन टाइप के सेमेस्टर, पहला टाइप का है व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय टोटल पार्टनर, टोटल पार्टनर को कितनी अमाउंट मिलेगी। तो ये क्वेश्चन टाइप में हमें पार्टनर की पहले प्रॉफिट फाइन करना ही पड़ेगी और पार्टनर का क्या फाइन करना पड़ेगा उसका कमीशन चेक के लिए। सबसे पहले हमारा जो रूल है हंसा हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स फॉर फर्म, ये तीनों क्या है पार्टनर। देन कैपिटल प्रोपोर्शन 3:2:1 और इनका जो कैपिटल प्रोपोर्शन है वो है 3:2:1। बच्चों एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन में कैपिटल प्रोपोर्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, कैपिटल प्रोपोर्शन से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल प्रोपोर्शन में मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो 1:1:1 होगा। आपको यहां पे कंफ्यूजन करने के लिए कैपिटल प्रोपोर्शन दे दिया है जिसको आपको क्या करना है इग्नोर। नेक्स्ट हितेश, हितेश मेरा पार्टनर भी है और हितेश का दो बार नाम क्यों है पता है? एक बार ऐसा पार्टनर नाम है, दूसरी बार बोल रहे हैं हम उसको क्या बनाने वाले हैं, मैनेजर बनाने वाले हैं, तो मैनेजर पे उसको 17% क्या देंगे कमीशन। तो लॉजिकली पार्टनर ही मेरा क्या हुआ मैनेजर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने एक रूल बताया आपको, क्या बताया? जब पार्टनर मैनेजर हो तो क्या याद रखना है, दो फॉर्मूला बिफोर एंड आफ्टर। आप ही देखिए, हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% नेट प्रॉफिट। हितेश को कितनी कमीशन मिल रही है? 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। कौन सा वर्ड है आफ्टर? जब क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड हो तब उसकी फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। सर ने बताया था मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि मैं पार्टनर मैनेजर है और कौन सा वर्ड है आफ्टर, तो मेरी हो गई फॉर्मूला। आगे बढ़िए, व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश। अब सोचो हितेश पार्टनर है तो पार्टनर को प्रॉफिट मिलनी चाहिए, तो प्रॉफिट भी मुझे फाइन करनी पड़ेगी और पार्टनर मैनेजर भी है तो मुझे क्या फाइन करना पड़ेगा कमीशन। एंड व्हाट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 और जो फर्म का प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई फर्म की जो प्रॉफिट है वो है 1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहां पे ध्यान से सुनो, सबसे पहले फार्मूला नेट प्रॉफिट फर्म का है 1,65,000 इनटू परसेंटेज, क्वेश्चन में परसेंटेज कमीशन के लिए 100 प्लस 10 यानी कि 110, ये अगर कैपिटल पे करेंगे तो मुझे हितेश का कमीशन मिल जाएगा 1,65,000 × 10 / 110। और लॉजिकली जो मैनेजर हितेश है उसको कितने की कमीशन मिलेगी? मैनेजर का कमीशन यानी कि हितेश का जो कमीशन है वो मुझे मिल गया 15,000। व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश, हितेश का मैंने कमीशन फाइंड कर लिया, अब मुझे बच्चों क्या फाइंड करना पड़ता है उसका प्रॉफिट, कि भाई हितेश को एज अ फर्म में क्या प्रॉफिट मिलेगा। अब आप थोड़ा यहां पे सोचो, फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया? 1,65,000। 1,65,000 में से हितेश को क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं, ऐसा बोलूंगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यानी कि पी माइनस सी। फर्म का प्रॉफिट 1,65,000, फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,65,000। टोटल फर्म की प्रॉफिट कितनी है 1,50,000, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,50,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है तो 1:1:1 लेना है जो मैंने पहले बता दिया, तो (1/3) करूंगा तो हितेश को कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा हितेश को।
50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है फर्म से, और दूसरा उसको क्या मिल रहा है कमीशन। पहला स्टेप मैंने कमीशन फाइंड किया, दूसरा स्टेप मैंने क्या किया उसका प्रॉफिट फाइंड किया डिटेल्स का, और तब डिटेल्स टोटल अमाउंट का, डिटेल्स का टोटल अमाउंट, डिटेल्स को 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, डिटेल्स को 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है ये, और दूसरा डिटेल्स को कमीशन मिल रहा है कितनेगा 15,000 कितना प्रॉफिट कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और फिर उसको टोटल मिलने वाले अमाउंट जिस पर पहला और दूसरे स्टेप को ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा व्हाट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर। तो बच्चों यही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, इलस्ट्रेशन नंबर एक्सरसाइज में 2 नंबर का क्वेश्चन है अमृता ने दिया, वो सब आप ट्राई कीजिए 100% कुछ आपको समझ में आ जाएगी अगर कांसेप्ट क्लियर है तो। तो पहला टोटल 3 टाइप के कमीशन के समय से क्वेश्चन पहला व्हाट अमाउंट टोटल डिस्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर ये मैंने करा दिया। 3 टाइप के कमीशन के समय है, पहला हमने इंटरेस्ट का किया, दूसरा ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइडेंटिफिकेशन आपको मैं बताता हूं कैसे सुनेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सूरज एंड पंकज ये तीनों पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:2:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सूरज एंड पंकज 6:2:3। आगे देखिए, अ मैनेजर हैज रिसीव्ड कमीशन। पहले बच्चों आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, अ मैनेजर ये तीनों में से कोई और मैनेजर है ए है नहीं है, तो उसका मतलब बच्चों क्या होता है, ना तो जयेश ना तो सूरज ना तो पंकज ये तीनों पार्टनर में से कोई मैनेजर नहीं बना है, कोई थर्ड पार्टी है। अगर पार्टनर मैनेजर नहीं है तो मैंने आपको बोला था एक ही फॉर्मूला है, मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सिंपल चीज मैं बोलूंगी बिफोर वाली फॉर्मूला बिफोर। तो यहाँ पे बच्चों पार्टनर मैनेजर नहीं है तो हमारी फॉर्मूला कौन सी रहेगी, बिफोर वाली रहेगी। आगे देखिए, a manager has received commission 6,600। आपको कुछ क्लिक हो रहा है बच्चों, दिमाग चलाओ, कुछ ही लाइन से क्लिक हो रहा है, received commission 6,600 एग्जाम में भी सोचिए बच्चों, मुझे क्लिक हो गया क्या पता है, received commission 6,600 यानी बच्चों हमें यहां पे आंसर दे दी है 6,600 हमें क्या दे दी है आंसर दे दी है। अब हमें आंसर से क्या फाइंड करना है वो आपके क्वेश्चन में होगा, at 10% after deduction of such commission before after मुझे यहाँ पे नहीं देखना है, क्यों पार्टनर मैनेजर नहीं है तो सिंपल फंडा बिफोर वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और कितने परसेंट दिए 10% from the profit। असेंट का मतलब decide the distribution of partner, पार्टनर के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो फाइंड करना है। बच्चो कमीशन दिया ना कमीशन, उसके बेस पे मुझे नेट प्रॉफिट फाइंड करनी है, और वो जो नेट प्रॉफिट आए वो पार्टनर के बीच में क्या करना है मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ध्यान रखो, मुझे नेट प्रॉफिट फाइंड करनी है इनटू कमीशन के कितने परसेंट दिए हैं 10 डिवाइड बाय 100। अब इसको मैथ में आप सबको आता है, नेट प्रॉफिट इस तरह ले लूंगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,600 इनटू जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन है वो डिवाइड, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 66,000 का प्रॉफिट मिलेगा। कितने का प्रॉफिट मिलेगा 66। फर्म का जो प्रॉफिट है वो टोटल कितने का आया 66,000 का। ये जो 66,000 का प्रॉफिट है वो मुझे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है तो मुझे 3 में से 3 बार मिलेंगे। अब ये पार्टनर है कौन कौन है, जयेश, जयेश, सुरेश और पंकज, ये 6:2:3 में क्या करना है बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 66,000 into 3 divided by 11 तो इसका आएगा 12,000, और 66,000 into 3 divided by 11 करेंगे तो उसका आएगा 18,000।
हो गए बच्चों आपके क्वेश्चंस, तीन में से तीन मार्क मिलेंगे। अगर ये नहीं समझ में आ गया कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में कमीशन ले लिया है और पार्टनर मैनेजर नहीं है तो कौन सा पसंद आएगा बिफोर, तो 110% आपके एग्जाम में तीन में से तीन मार्क आएंगे। कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बताऊं सर, आफ्टरवर्ड ये ना 10 डिवाइड का 100 एंड करना मेरे बच्चे, यहां पे क्वेश्चन में आपको क्लियर बोला है कि पार्टनर मैनेजर नहीं है, तो पार्टनर मैनेजर नहीं है तो मैंने आपको आगे के कांसेप्ट में समझा दिया है कौन सा फार्मूला आएगा बिफोर वाला, डन। तो ये हुआ आपका कांसेप्ट नंबर 2 बच्चों। बच्चों मैनेजर कमीशन के मैंने 200 समझा दिए और मेरा जो थर्ड पार्ट है वो यहां पे नजर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपसे गुजरात बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है वो कौन सा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो आप अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, ध्यान से सुनो। शीला शुरबीत सीमा और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:7:9। शीला शुरबीत एंड कौन सीमा, ये तीनों पार्टनर है और इन तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 5:7:9। आगे बढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर संकेत, पहले तो मुझे ये चीज पसंद है। आप देखिए संकेत पार्टनर है, संकेत का नाम है पार्टनर में, शीला शुरबी सीमा में नाम है नहीं है, तो उसका मतलब बच्चों क्या पता है पार्टनर मैनेजर नहीं है। मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले फॉर्मूला लिखूंगा पार्टनर मैनेजर नहीं है तो मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 बिफोर वाला फॉर्मूला जो पार्टनर मैनेजर नहीं है। मैनेजर संकेत एंटरटेन टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिसर्च, मुझे आपसे बात करने से लेना देना नहीं है, क्यों पार्टनर मैनेजर नहीं है तो बिफोर वाला फॉर्मूला यहां आ गया, तो मैंने संकेत का फॉर्मूला लिख दिया। कितने परसेंट उसको कमीशन देने की बात होगी 10%। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यहां से आपको कुछ क्लियर होना चाहिए, सुरभी रिसीव सच सेल्स इन प्रॉफिट 7000। यहां पे जो प्रॉफिट दिया है ना वो फर्म का है कि पार्टनर का, पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको यहां पे एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया है, यानी कि आपको आइडेंटिफिकेशन में पता चल गया कि यहां पे सिर्फ मुझे एक पार्टनर की प्रॉफिट दी है, एक पार्टनर की प्रॉफिट लिखते हैं यहां पे नहीं, यहां पे फर्म की प्रॉफिट लिखते हैं। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा पता है कि एक पार्टनर की प्रॉफिट को मुझे किस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्म की प्रॉफिट में से, फर्म की प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे रखूंगा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी कि जो सुरभि है उसको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा टोटल 7000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, संकेत को कितना कमीशन मिल रहा है वो फाइंड करना है एंड प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कि प्रॉफिट में अगर कमीशन ऐड हो तो टोटल हमारी कितनी प्रॉफिट है। सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं नहीं कर सकता, क्यों मुझे यहां नेट प्रॉफिट चाहिए फर्म का और यहां पे मुझे सिर्फ क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है सुरभि का, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से, शीला फिर सुरभि और फिर शीला, ये तीनों पार्टनर है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों 5:7:9, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दी है 5:7:9। मैं सर मुझे सुरभि का प्रॉफिट दे दिया है कितना दे दिया 7000, तो सुरभि का प्रॉफिट मैंने 7000 यहां पे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है यार बच्चों, बहुत इजी तरीका दे रहा हूं, बहुत इजी तरीका, सुरभि का 7/7 का प्रॉफिट है, इसका टोटल करो 5+7 यानी कि 12 और 12+9 यानी कि टोटल 29। कैलकुलेटर है आपके हाथ में, कैलकुलेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 7000 × 21 डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों आप 7, तो आप ये करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगी 7000 × 21 डिवाइड बाय 7, तो आपको प्रॉफिट मिलेगी 21000। ये जो प्रॉफिट है वो फर्म की प्रॉफिट है, किसकी आ गई फर्म। तो बच्चों ऐसा बोल सकते हो शीला शुभ और सीमा जिनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 5:7:9 का है, सुरभि की प्रॉफिट 7/7 थी तो 21 पे कितने 7000 × 21 / 7 करेंगे तो मुझे मिल गई प्रॉफिट, किसकी मिल गई फर्म की प्रॉफिट, फर्म की प्रॉफिट मुझे 21000 मिल गई। क्वेश्चन में इसको कमीशन 10% देने को बोला है तो 10/100, तो टोटल जो कमीशन है वो हुई 21000। कितने की कमीशन हुई 21, यानी कि इसको टोटल हमें कितने की कमीशन देनी पड़ेगी 21। और लास्ट में एक और चीज फाइंड करने को बोला है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब ये हुआ
कि अगर प्रॉफिट में कमीशन हेड होता है तो टोटल कितना होगा, ऐसा होगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन का फॉर्मूला पी प्लस डी, हमारे टोटल प्रॉफिट 81,009 प्लस हमारी कमीशन कितनी आई 2,130, तो टोटल जो मुझे मिलेगी प्रॉफिट बिफोर कमीशन यानी कि प्रॉफिट में कमीशन ऐड करके वो कितना मिलेगा 23,100। तो बच्चों ये जो आपकी पार्ट हुई वो कमीशन की, मैंने तीन टाइप के कमीशन के सम्स कराए हैं, व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर टोटल, सेकंड टाइप के सम्स में डायरेक्टली वहां पे कमीशन दे दिया होता है, और थर्ड टाइप के सम्स में जहां पे सिर्फ एक पार्टनर की क्या दी होती है बच्चों प्रॉफिट। तो ये हुआ आपका मैनेजर कमीशन का पार्ट, नेक्स्ट एक और चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बच्चों, और हो सके तो मैक्स टू मैक्स फॉरवर्ड करना, तो सबको ये जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो क्या हो सकते हैं इजी तरीके से घर पे समझ। थैंक यू।